In this module, we shall geometrically demonstrate third isomorphism theorem. और थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास जो आइसोमॉर्फिज्म आई थी वो जी ओवर के इज आइसोमॉर्फिक टू जी ओवर एच ओवर एच ओवर के. तो अ नाइस वे ऑफ व्यूइंग थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम इज टू रिगार्ड द कैनोनिकल मैप वाई एच from G to G over H as being factor via a normal subgroup K of G and K is the subgroup of H, H is the subgroup of G to give YH equal to YH over K YK. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये composition है two maps की और कंपोजिशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हमारे पास एक्ट करेंगी. तो वाई के पहले ऑपरेट होगी एंड देन वाई एच ओवर के ऑपरेट होगी और हमें वाई एच मिलेगा एज ए कंसिक्वेंस अप टू अ नेचुरल आइसोमॉर्फिज्म एज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर ऑन नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y h कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम g टू g ओवर h और h नॉर्मल सब ग्रुप है g का. इसी तरह k भी नॉर्मल सब ग्रुप है g का और y के हमारे पास कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम g टू g ओवर k और y के इज कंपोजिंग विद y h ओवर k और y h over k is a homomorphism from g over k to g over k over h over k. और ये हम प्रूव कर चुके हैं थ्योरम जब हमने प्रूव किया था इसको होमोमॉर्फिज्म. और ये भी हमने प्रूव किया था कि g by using the first isomorphism theorem g over h is isomorphic to g over k over h over k. And this is the natural isomorphism. और ये theorem हमने establish कर दिया था और y k compose yh over k compose this natural isomorphism equal to yh. This diagram is commutative. This is the way in which we are demonstrating third isomorphism theorem geometrically. There is another way to illustrate it geometrically. Another way of realizing this theorem is to use the subgroup diagram in the figure below, where each group is normal subgroup of G and is contained in one above it. और यहाँ पर आप देख सकते हैं H इज द नॉर्मल H एंड K बोथ आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ G और K इज द सब ग्रुप ऑफ H. द लार्जर द नॉर्मल सब ग्रुप द स्मॉलर द फैक्टर ग्रुप. दस वी कैन थिंक ऑफ G कोलैप्स्ड बाय H डेट इज G ओवर H एज बीइंग स्मॉलर देन G collapsed by K. तो जैसा कि आपको मालूम है जितना ज़्यादा larger होगा normal group उतना ही ज़्यादा हमारे पास factor group smaller होगा और क्योंकि आप उसको more out कर रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पर K is the subgroup of H तो G over H जो है वो हमारे पास smaller group होगा G ओवर K से. तो जब आप H से मॉड आउट कर रहे हैं तो जो कोलैप्सिंग है वो ज्यादा होगी क्योंकि K इज कंटेन्ड इन H. थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम स्टेट्स डेट वी कैन कोलैप्स G ऑल द वे डाउन टू G ओवर H इन टू स्टेप्स. तो फाई एच आपने वाई एच कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म देखी थी डेट इज फ्रॉम जी टू जी ओवर एच और यहाँ पर अगर आप उसी डायग्राम को विजुलाइज करें
तो आप कोलैप्सिंग को टू स्टेप्स के अंदर कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेप इज वाई के इज फ्रॉम जी टू जी ओवर के, एंड सेकंड स्टेप इज वाई जी ओवर के फ्रॉम जी ओवर के टू जी ओवर के ओवर एच ओवर के. फर्स्ट कोलैप्स टू जी ओवर के and then using h over k collapse this to g over k over h over k. The overall result is the same up to isomorphism as collapsing g by h.